कि लोग नहाते हैं पानी से, जो नहाते हैं पानी से वो लिबास बदलते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी पसीने से नहाते हैं और वो इतिहास बदलते हैं। संसद में रवि किशन ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए पढ़ी शायरी तो कॉमेडियन राजीव निगम ने दिया बड़ा बयान। रवि किशन शायरी के अंदाज में कहते हैं कि लोग नहाते हैं पानी से, जो नहाते हैं पानी से वो लिबास बदलते हैं, जैसे स्वयं प्रधानमंत्री जी पसीने से नहाते हैं और वो इतिहास बदलते हैं। भाजपा सांसद की शायरी पर लोग अब सोशल मीडिया पर जमकर चुटकी लेते दिखाई दे रहे हैं और प्रतिक्रिया दे रहे हैं। योगा ट्रेनर रिद्धि श्याम दुबे सांसद की शायरी सुनकर रिएक्शन देती है और लिखती है कि ये इतिहास नहीं बदलते, बस नाम बदलते हैं और चुनावी मौसम में गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और आंकड़ा छुपा देते हैं। चोर बाजू वाला भी हंस रहा है, क्या घटिया शायरी, सिर्फ घटिया लोगों के लिए। एक अन्य यूजर ने भाजपा सांसद की शायरी पर रिएक्शन दिया और लिखा कि बात तो सही है, इतिहास बदलने की तो पूरी कोशिशें चल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही संविधान की प्रस्तावना बदलने की कोशिश कर रहे थे संसद में, जय हो प्रभु। JNU इंजीनियरिंग स्टूडेंट सनी धीमन शायरी सुनकर लिखते हैं कि ये शायरी अखिल भारतीय ट्रक यूनियन ने भी खारिज कर दी। एक अन्य यूजर रवि किशन की शायरी पर प्रतिक्रिया देते हैं और लिखते हैं कि प्रधानमंत्री तो खुद दिन में चार चार बार कपड़े बदलते हैं, ये बात रवि किशन को पता होनी चाहिए। वहीं मशहूर कॉमेडियन राजीव निगम भी भाजपा सांसद की शायरी पर रिएक्शन देते हैं और लिखते हैं कि समस्त इंडस्ट्री इतनी 2 रुपए की घटिया शायरी नहीं कर सकती, रवि किशन आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी खबर आप तक पहुँचती रहे।